हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं सांख्यिकी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी का फुल कंसेप्ट देखेंगे और जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर साल इससे दो तीन क्वेश्चन आता है हर साल। पिछले साल 2021 वाला देखिएगा तो पहला ही सेटिंग में जो है दो क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। तो इससे जो है क्वेश्चन रहता है, हम लोग देखेंगे मार्क्स एकदम शॉर्ट मेथड देखेंगे, एकदम आसान तरीका। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मार्क्स, उसके बाद माध्यिका, उसके बाद बहुलक। उसके बाद बहुलक का एक फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये फार्मूला को याद रखिए। उसके बाद परिसर मतलब रेंज। ये जो है 2021 के सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है परिसर रेंज के बारे में पूछा था। तो आज हम लोग इसको जो है एकदम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे किस तरह से होता है। चलिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माध्य का। एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 10, 10, 9, 10, 11, 10 और ले लेते हैं 9, 10, 11। मान लीजिए कि ये क्या है, मेरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, क्या वो संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 संख्या हो गया। इसमें सबसे पहले देखेंगे माध्य कैसे निकालेंगे। इस तरह का एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन देख करके पूछे कि माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले माध्य बराबर होता है फॉर्मूला योग बटा में संख्या। सभी जो है इसका योग बटा में संख्या कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। देखिए किस तरह से होता है, योग बटा में संख्या करेंगे तो देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 10, 50 हो गया, 50 हो गया, और 50 और 20 क्या हो गया, 70 और 20, 90। तो ये इसका योग हो जाता है कितना, 90। जब सभी को जोड़िएगा आपस में तो इसका योग कितना आ जाएगा, 90 बटा में संख्या। ये सभी को ऐड करके किस तरह से ऐड करना है, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस, और इस सभी को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 90। ठीक है, तो इस तरह से रफ में जोड़ करके देख लीजिएगा कि इसका योग कितना आता है। अच्छा, जब इसका योग निकल जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, संख्या। तो इसका संख्या कै गो है गिन लेना है, इसको गिन लेना है कै गो है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भागा 9 से भाग दे दीजिएगा। 9 से अगर भाग दीजिएगा तो 9 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर 10, यानी कि ये माध्य बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद बात आती है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या है कि पहले दी हुई संख्याओं को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेंगे। चलिए, तो बढ़ते क्रम में सजाना ठीक होता है, इसलिए बढ़ते क्रम में ही सजा लेते हैं। आप चाहो तो घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है, 9, यानी कि 9। माध्यिका के लिए देखिए, माध्यिका इसके लिए सबसे पहले इसको सजा लेंगे, 9, 2, 9 दो को 9 है, 1 और 1, 2। उसके बाद 10, 10, 10, 10 क्या वो 10 है, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद है 11, 11। और माध्यिका क्या होता है, जो बीच में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है, तो दोनों इधर से देख लीजिए, क्या वो मेरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर चाहो तो 9 भागा 2 कर लो तो 4.5 आता है, तो उस तरह से छोड़ो। इधर से जो है 4 गो इधर से ले लीजिए और 4 गो इधर से ले लीजिए, 4 गो हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या वो संख्या, 4 गो। यहाँ से यहाँ तक क्या वो संख्या, 4 गो। तो बीच में जो मेरा बच रहा है वही मेरा क्या होगा, माध्यिका। ये जो बीच में बच गया 10,
तो ये 10 मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका, माध्यिका का आंसर कितना जाएगा 10। चलिए अभी ये तो 9 था तो बीच में आ गया है एक, तो ये मेरा हो गया है माध्यिका। अगर मेरा अगर 10 वो संख्या रहता, मान लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो इसमें बीच क्या हुआ आएगा। देखिए अगर इधर से 4 को अगर छाटिएगा और इधर से 4 को छाटिएगा तो बीच में क्या हुआ आ जाएगा, बीच में 2 संख्या आ रहा है ना, 10 और 11 आ रहा है ना। तो इसको कुछ भी नहीं करना, 10 जोड़ 11 कीजिएगा और 2 को संख्या 2 को से भाग दे देंगे तो 10 और 11 मिल करके 21 होता है, 2 से जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10.5। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का योग बटा में संख्या, सभी संख्याओं को जोड़ करके जितना संख्या उतना से भाग लगा देंगे तो मेरा माध्य निकल जाएगा। माध्यिका के लिए क्या होगा, या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए या तो घटते हुए क्रम में लिख करके जो बीच वाला होगा वही मेरा आंसर होगा। अगर 2 बीच में मिलता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग माध्यिका भी सीख लिए किस तरह से बनता है, भागिएगा मत। इसमें क्या है ना कि पूछता है 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए ये रहता है, 1 नंबर में माध्य पूछ दिया तो दूसरा में परिसर पूछ देगा, ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें से रहता है। चलिए तो इसको मिटाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिलहाल बहुलक देखते हैं। देखिए बहुलक मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही मेरा बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही मेरा बहुलक होगा, दी हुई संख्या में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही मेरा बहुलक होगा। तो आप ये जो दिया हुआ है आपका संख्या, इसमें से देखिए जो सबसे ज़्यादा बार आया है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आया है 10 आया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार 10 आया है, ठीक है। अगर 9 लेते हैं तो 9, 1, 2 ही बार आया है, 11 भी 2 बार आया है। इसका मतलब कि बहुलक मेरा कितना हो जाएगा 10, बहुलक कितना हो जाएगा 10, बहुलक कितना हो जाएगा 10। बहुलक निकालने का क्या तरीका है कि जो सबसे बार संख्या रिपीट होगा, जो सबसे ज़्यादा बार, वही मेरा हो जाएगा बहुलक। यानी कि 10 इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 5 बार, इसका मतलब कि मेरा बहुलक क्या है 10 है। चलिए एक और बहुलक है जो फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर कह रहा है कि 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यही ना कह रहा है। तो अभी जो हम लोग माध्य माध्यिका निकाले हैं, माध्य निकाले हैं तो 10 आया, माध्यिका भी 10 आया। देखिए सबसे पहली बात कि ये 3 गो का मतलब 3 गो का समूह है, बहुलक माध्यिका और माध्य, इसमें से कोई 2 आपको दे देगा, कोई 2 दे देगा आपसे और तीसरा पूछ लेगा। जैसे कि अभी हम लोग माध्य और माध्यिका का आंसर निकाल लिए हुए हैं तो इसी पर बना करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो माध्य माध्यिका का मान कितना है, ये तो 3 रहेगा ही, माध्यिका का जो मान है, ये जो माध्यिका है इसका मान कितना आया हम लोगों को 10, तो 3 गुना 10 माइनस 2 तो रहेगा ही, गुना ये माध्य का मान कितना आया, इसका भी 10 आया, ठीक है। अभी इस आंकड़े के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 10 क्या कितना होता है 30, माइनस 10 गुना 20, अगर घटाएंगे तो 10, देखिए 10 आंसर आ रहा है ना। और अभी हम लोग उस तरह से भी निकाले हैं तो आंसर कितना आया, बहुलक बराबर कितना आया 10 ही आया है कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत। और अगर मान लीजिए कि आपको कह दे कि बहुलक 10 और माध्यिका जो है ये भी 10 दिया हुआ है तो माध्य नहीं निकल जाएगा, इसी फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा आसानी से निकल जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं परिसर के बारे में, ठीक है। परिसर यानी कि रेंज, परिसर यानी कि बहुलक के बारे में देख लिया हम लोग, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो वो क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला देख लिए कि अगर माध्य और माध्यिका दिया रहे तो बहुलक किस तरह से निकालते हैं। अब देखते हैं परिसर, परिसर यानी कि रेंज, ठीक है। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं,
परिसर, परिसर यानी कि क्या होता है रेंज? अब देखिए परिसर रेंज निकालने के लिए इसी संख्या से हम लोग रेंज निकालने का कोशिश करते हैं। रेंज निकालने का क्या होता है, परिसर, परिसर ये बराबर होता है महत्तम मान माइनस महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, ये होता है परिसर यानी कि रेंज निकालने का फॉर्मूला। तो महत्तम मान यानी कि ये दी हुई संख्या में जो सबसे बड़ा है, महत्तम मान मतलब दी हुई संख्या में जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कितना है 11। 11 से बड़ा कोई दिख रहा है आपको नहीं, तो 11 हो गया और ये माइनस एक ही वो लेना है जो सबसे बड़ा हो। न्यूनतम मान यानी कि जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा इसमें कौन है, 9 है, तो माइनस 9 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। यही मेरा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम 2021 में जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ था उसका 2 क्वेश्चन अभी हम आपको बोर्ड पर लिखते हैं, आप लोग उसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बन जाता है दम बन ही जाएगा, अगर ध्यान से वीडियो देखे होइएगा तो दम जरूर बनेगा। चलिए तो इसको मिटाते हैं। अभी आज हम लोग क्या पढ़ा सांख्यिकी में, माध्य माध्यिका बहुलक, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है कि माध्य और माध्यिका से ज्यादा है तो किस तरह से बहुलक निकालेंगे, और उसके बाद परिसर यानी कि रेंज। चलिए 2021 में जो है क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट सिटिंग में ही क्वेश्चन था, दिया हुआ था 7.3.5 8.6.10.9.12 का माध्यिका है, का माध्यिका है। ऑप्शन था आपका ए में था 7, बी में था 7.5 यानी कि 7.5, सी में था 8 और डी में था इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको बनाइए, तो इसको बनाइए। ये जो है 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में था, 2021 फर्स्ट शिफ्ट में था। तो इसको बनाइए। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाइए जो सबसे छोटा उसको पहले, तो 3 मेरा सबसे छोटा है, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, है ना, 3, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9 और क्या है 10 और क्या है 12, यही ना है। तो क्या करेंगे कि माध्यिका मतलब होता है कि बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए। अगर इधर से अगर मान लीजिए सजाते हैं कि 12, 10, ये घटते क्रम में 9, 8, 7, 6, 5, 3, ये क्या हो गया, ये हो गया घटते क्रम में, और ये क्या हो गया बढ़ते क्रम में, ठीक है, ये घटते क्रम में हो गया और ये बढ़ते क्रम में हो गया। अब इसमें से देखना है जो बीच वाला होगा वही मेरा आंसर होगा। तो बीच वाला इसमें से देखिए निकाल लीजिए बीच वाला कौन सा है। तो टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वो है यानी कि 2 बीच वाला आएगा, इधर से 3 वो छाँट लीजिए और इधर से 3 वो छाँट लीजिए, तो बीच में क्या बच गया 7 और 8। तो 7 जोड़ 8 और बटा में 2, तो 8 7 होता है 15 बटा में 2, इसको अगर काट दीजिएगा तो 7.5। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। एक और पूछा था उसको भी देख लीजिए, इसने पूछा था बहुलक। तो बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसको बहुलक कहते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसको बहुलक कहते हैं। तो आप लोग निकाल ही लीजिएगा। और 2022 में भी पूछा था, 2 सेकेंड सिटिंग में पूछा था 2021 के, उसमें परिसर पूछा था, आंकड़ा दे दिया था और उसका परिसर पूछा था। आंकड़ा क्या था अभी हम लिखते हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट में था और ये वाला अभी जो आंकड़ा लिख रहे हैं वो सेकेंड में था। आंकड़ा दिया हुआ था आपका, आंकड़ा दिया हुआ था 12, 17, 81, 26, 38, 42,
62 का परिसर है, का परिसर है, ये आपका दिया हुआ था। ऑप्शन में था ए में था 12, बी में था 62, सी में था 81 और डी में था 69। तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका परिसर निकालना है। आंकड़ा दिया हुआ है 12, 17, 81, 26, 38, 47 और 62। तो परिसर निकालने का यानी कि रेंज निकालने का क्या नियम है, नियम है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। महत्तम मान देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, देखेंगे तो 62 से बड़ा कुछ दिख रहा है, 62 से बड़ा जो है कुछ नहीं है। और न्यूनतम मान क्या है, 12, माइनस 12 कर दीजिए, माइनस 12 तो क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो 81 है। सबसे बड़ा क्या है, 81, तो सबसे बड़ा है 81 में से जब 12 को घटाइएगा तो 11 में से 2 जाएगा 9, 7 में से 1 जाएगा 6, कितना आ जाएगा 69, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, डी। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।